हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा केयर चैनल में आपका स्वागत है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में क्या चेंजेस आते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं यानी कि जब आपका गर्भधारण सक्सेसफुल हो जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनमें से जो एक प्रोमिनेंट चेंज है वो है आपके प्राइवेट एरिया यानी कि वजना का कलर में चेंजेस आना। जनरली वजना का जो कलर है वो पिंक होता है, लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के वजह से या फिर ज्यादा ब्लड फ्लो होने के वजह से आपका जो वजना का कलर ब्लू हो सकता है या फिर पर्पल कलर हो सकता है। दूसरा जो चेंजेस होता है आपके प्राइवेट पार्ट में वो है आपका वजना स्वेलन हो जाना यानी कि फूल जाना। ये भी ब्लड फ्लो ज्यादा होने के वजह से होता है, क्योंकि इस समय आपके प्राइवेट पार्ट या फिर वजना या फिर यूटेरस की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो इसीलिए आपका वजना थोड़ा सा स्वेलन या फिर आपका प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा स्वेलन या फिर फूला फूला हुआ लग सकता है। इसके अलावा आपके पेल्विक एरिया में जो वैरिकोज वेन यानी कि नसें वो भी उभर आने लगते हैं। ये भी प्रेगनेंसी के अर्ली डेज में दिखाई देता है और साथ ही साथ पूरे प्रेगनेंसी में ये वैरिकोज वेन आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से मेलानिन का मात्रा भी बढ़ सकता है, इसीलिए आपका शरीर में बहुत सारे एरिया डार्केन होने लगता है, उनमें प्राइवेट पार्ट भी एक होता है, तो इस समय आपका प्राइवेट एरिया थोड़ा बहुत डार्केन भी दिख सकता है। और सारे जो चेंजेस आते हैं प्राइवेट पार्ट में उनमें से एक है आपका जो व्हाइट डिस्चार्ज का अमाउंट वो बढ़ जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, फिर भी और एक बार आपको बताना चाहूंगी कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके हार्मोन में उतार चढ़ाव रहता है, आपका हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो भी बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण आपके जो वजनल एरिया है उनमें से सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपके बच्चे को बाहरी इन्फेक्शन से बचाया जा सके और आपके इन्फेक्शन भी ना हो सके। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो ये हार्मोन के वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में थोड़ा बहुत चुभन या फिर इचिंग भी हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट का जो पीएच है वो भी चेंज हो जाता है। सो पीएच चेंज होने के कारण से आपका वाइट डिस्चार्ज जो इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ आपके जो डिस्चार्ज है उसमें से थोड़ा बहुत स्मेल आ सकता है, यानी कि आपका जो स्मेल है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ये जो स्मेल है जनरली ये अनप्लीजेंट नहीं होता है यानी कि बदबूदार नहीं होता है, लेकिन उसका जो स्मेल होता है उसमें स्लाइटली चेंजेस आता है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी नजर आ सकता है। जनरली ये जो स्पॉटिंग वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कारण हो सकता है, जो कि आपको वजनल डिस्चार्ज के साथ साथ देखने को मिल सकता है या फिर जब आप यूरिन करने जा रहे हो उस समय भी आपको ये स्पॉटिंग नजर आ सकता है, या फिर जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को वाइप आउट भी करते हैं उस समय भी आपको देखने को मिल सकता है। ये ब्लीडिंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग होता है, जिसका कि कलर एकदम हल्का पिंक या फिर ब्राउन हो सकता है। इसके अलावा आपको यूरिन का कलर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, यूरिन का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और साथ ही साथ जब आप सुबह पेशाब करने जाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बबल्स यानी कि व्हाइट बबल भी दिखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में हार्मोन का चेंजेस होता है और आपके यूरिन में बीटा एसिजी नाम का हार्मोन भी सिक्रेशन होता है, तो बीटा एसिजी हार्मोन होने के कारण से आपका यूरिन के कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है या फिर थोड़ा बहुत झागदार हो सकता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं इस महीने तो आपके प्राइवेट पार्ट में ये सारे चेंजेस आने का पूरा चांस है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।